दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए डेली स्टॉक की एक अगली वीडियो लेकर आया हूं, जिनमें आपको मंडे को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वो जाने दो स्टॉक कौन सा जो आपको मंडे को बेहतरीन प्रॉफिट देने वाले हैं। दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है जो मैं आपके लिए मंडे के लिए लेकर आया हूँ वो है एमपी हैसिस का। देखिये एमपी हैसिस में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देखिये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में रहा, लेकिन ये 11 बजे के बाद एक रेंज में हो गया। देखिए अगले तीन घंटे इसने एक रेंज में ट्रेड किया हुआ है। मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताई हुई है इंट्राडे की। देखिए ये स्टॉक हमारे इंट्राडे की स्ट्रेटजी पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसने अगले अपने 3 घंटे एक रेंज में ट्रेड किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अगर अपने रेंज के किसी भी तरफ को ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है हमें इसमें। तो आप एमपी हैसिस पर नजर बनाकर रखें, इसे मिस ना होने दें। अगर एमपी हैसिस 1078 के ऊपर निकलता है तो इसको हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1068 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1085 का, सेकंड टारगेट 1095 और जो तीसरा अंतिम टारगेट होगा 1110 का होगा। देखिए अगर एमपी हैसिस मैंने बताया हुआ आपको कि अगर ये रेंज इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है या ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है इसमें। तो देखिए मैंने ऊपर की ओर तो आपको बता दिया, लेकिन अगर एमपी हैसिस अपने इस रेंज को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो भी हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा इसमें। तो एमपी हैसिस अगर 1062 के नीचे निकलता है तो इसको हम सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1072 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 1053, हमारा सेकंड टारगेट 1043 का और जो तीसरा और अंतिम टारगेट होगा 1033 का होगा। दोस्तों ये सारी वीडियो मैं आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए बनाता हूँ, तो आप वीडियो को देखें सीखें। इंट्राडे में आप भी एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं जिससे आप खुद भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बस आप लोग वीडियो में बताए गए जो तरीके हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉल्स पर एक प्रॉफिट कर पाएंगे। मैं जो स्ट्रेटजी बताई है आप उसको फॉलो करें। और देखिए डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं जहां मैं लाइव मार्केट में इंट्राडे की कुछ कॉल्स देते रहता हूं जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, उसमें आप काफी कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें आपको ये फायदा होगा कि मैं आपको अपने पर्सनल चैटिंग ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर मैं आपको इंट्राडे की कुछ कॉल्स दूंगा, लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की, बैंक निफ्टी की और कमोडिटी की भी कॉल्स आपको मिलेंगी, तो उससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है। और अगर आप अभी स्टॉक में अकाउंट ओपन करते हैं तो अभी कंपनी की तरफ से, आप स्टॉक की तरफ से अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 750 रुपए का ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से वापस मिल जाएगा जो कि एक अच्छा बेनिफिट है। तो आप जल्दी से जल्दी अकाउंट ओपन कर लें और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे अकाउंट ओपन होने के बाद, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा जो दूसरा स्टॉक है कल के लिए वो कौन सा है, सॉरी मंडे के लिए। हमारा जो दूसरा स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है HDFC बैंक का। देखिए HDFC बैंक ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है और देखिए ये आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे होंगे। देखिए ये इस समय यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, लेकिन अब वही ट्रेंड लाइन यहाँ पर जाके एक सपोर्ट का काम कर रही है। मैं जल्दी ट्रेंड लाइन पर एक वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए ये एक सपोर्ट बन गया है यहाँ पर और ऊपर से जो है आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। तो अगर HDFC बैंक अपने ट्रायंगल पैटर्न को किसी भी ओर ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को उम्मीद है मुझे इसमें। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें और इसे मिस ना करें। तो HDFC बैंक अगर 1972 के ऊपर निकलता है तो इसको हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1962 रुपए का, हमारा फर्स्ट टारगेट 1980, सेकेंड टारगेट 1990 रुपए का और जो तीसरा अंतिम टारगेट होगा 2000 का होगा। देखिए अगर HDFC बैंक नीचे की ओर ब्रेक करता है तो इसको हम सेल करेंगे 1957 के नीचे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1968 रुपए का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1947 का, सेकंड टारगेट 1937 और जो तीसरा और अंतिम टारगेट होगा 1925 का होगा। देखिए दोस्तों मार्केट हाई वोलेटाइल चल रहा है तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। आजकल मार्केट काफी निगेटिव जा रहा है तो और आगे भी हमें निगेटिव देखने के चांसेस हैं, तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें। और देखिए आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करें, आप प्रॉफिट बुक करना सीखें। देखिए अगर आप HDFC बैंक को सील करते हैं 1957 के नीचे और ये 1950 पे ट्रेड कर रहा है और अभी आपका 1947 इसने टच नहीं किया है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करें। आप 1968 से मॉडिफाई करके आप अपने स्टॉप लॉस को 1955 या 1953 पर या 1951 पर ला सकते हैं, जिससे कि अगर स्टॉक और नीचे जाता है
तो आपको एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। या अगर स्टॉप लॉस सॉरी स्टॉक वहां से रिवर्स होता है ऊपर की ओर निकलता है तो आपका जो प्रॉफिट में आपका जो स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ वो आपको हिट कर देगा, तो भी आप एक प्रॉफिट में रहेंगे। देखिए अगर आधे परसेंट से ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको आप लॉस में ना बुक करें, उस प्रॉफिट को आप घर ले जाएं। हो सकता है कि आप छोटे से प्रॉफिट को मिस करें और एक बड़ा लॉस बुक करना पड़े आपको, तो इस चीज पर आप ध्यान दें। और ये जो मैंने आपको दो स्टॉक बताए, मुझे उम्मीद है कि आपको मंडे को इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बगल में जो आपका बेल का आइकन है उसे भी जरूर दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।